हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि GTA 5 में कस्टम रैंप मोड कैसे लगाने हैं। तो ये चार मोड मैंने सेलेक्ट करे हैं जिन्हें मेन्यू ट्रेनर की हेल्प से एक्सेस करेंगे। तो इन मोड्स को सही से चलाने के लिए ये सब चीज़ें पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए। ये सब मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें कि ये सब इंस्टॉल करके दिखाया है, तो आप वो देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अब हम स्टेप टू करेंगे कि इन्हें इंस्टॉल कैसे करना है। तो पहला मोड मैंने चूज़ करा है वो है एयरपोर्ट ट्रिपल लूपिंग। ये देख, इसके फ़ोटोज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेकंड मोड मैंने चूज़ करा है डबल मेगा रैम। इसके भी आप ये फ़ोटोज़ यहाँ पे देख सकते हैं पहले कैसा है ये। और थर्ड है हमारा सुपर स्पीड रिंग। ये मतलब एकदम स्ट्रेट रैंप है, इसमें आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं आपकी किसी बाइक या फिर कार का। और लास्ट है हमारा अल्ट्रा रैम, जिसमें आपको ये सारी कार्स और बाइक्स पहले से मिलेंगी यहाँ पे। तो अब इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं पहले। चारों फाइल डाउनलोड हो चुकी है और अब हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये जिप फाइल्स हैं। तो ये मैं एक्स्ट्रा फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। तो ये चार फोल्डर मेरे पास आ गए। इनके अंदर एक XML फाइल है सबके अंदर, चारों के अंदर। अब हमें अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में जाना है, गेम डायरेक्टरी। और इसमें हमें जाना है मेन्यू स्टफ में। मेन्यू स्टफ के अंदर हमें जाना है स्पूनर में। स्पूनर में हमें ये जो XML फाइल है ये हमें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। चारों मैंने फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। तो ये हमारी मोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, चारों फाइल्स हमारी स्पूनर के अंदर आ चुकी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गेम में इन फाइल्स को कैसे एक्सेस करना है मेन्यू ट्रेनर की हेल्प से। तो अब हम गेम में आ गए हैं, तो हमें F8 दबाना है मेन्यू ट्रेनर खोलने के लिए। और मेन्यू ट्रेनर में हमें जाना है ऑब्जेक्ट स्पूनर में, फिर हमें जाना है मैनेज सेव्ड फाइल में। तो इसमें हमारे जो हमने चारों फाइल उसमें डाली थी XML फाइल, वो चारों यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले अल्ट्रा रैम वाली मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो इस पर हमें बस एंटर दबाना है और फिर हमें करना है लोड प्लेसमेंट। तो एक दो सेकंड इसमें लगेंगी और ये आपका लोड हो जाएगा ऐसे। और देखो सारी कार्स सब कुछ यहाँ पर इसके साथ आ रहा है। तो मैं ये वाली कार लेके एक बार ट्राई करता हूँ। और इसने ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं, ग्लासेस हटाने पड़ेंगे। तो अब चला के देखते हैं। मेरे पास स्टीयरिंग व्हील है तो मैं स्टीयरिंग व्हील से ड्राइव करूँगा। अगर आपको जानना है कि स्टीयरिंग व्हील मैं कैसे GTA 5 में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने एक मोड यूज़ करा है। अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये गलती से यार, ये तो गिर गई गलती। तो हमने फुल एक्सेलेटर दे दिया है और इसमें 7 ही गियर है गाड़ी में। तो अभी हमारी टॉप स्पीड हो चुकी है 240 की और बढ़ती जा रही है, अभी 250 के आसपास हो गई है। और अब देखते हैं कैसी जंप होती है। काफी शानदार जंप थी, पर जाए दूर नहीं गई है, पता नहीं क्यों। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो हम टेलीपोर्ट हो जाते हैं वापस। को अगर ये ऑब्जेक्ट को हटाना है किसी को मैप में से, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है मैनेज एंटिटीज में, उसके बाद डिलीट ऑल एंटिटीज डाटाबेस कर देना। आप देख सकते हैं वो ऊपर से हट चुका है हमारा जो रैंप था पिछले वाला। वापस से वही सेम स्टेप करने हैं आपको। और तो चलते हैं सेकंड रैंप की तरफ, जो कि ये स्ट्रेट लाइन वाला था। इसके लिए मैंने बाइक ले ली है। इसमें आप अपना स्पीड टेस्ट कर सकते हैं बाइक गाड़ी किसी भी चीज़ का। जैसे अभी हम देखो 300 पार हो चुके हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रैंप है।
इसमें जो कर्व है वो इतना कम है कि आपको मोड़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी ये 390 पे ही जा पा रही है। एक बार इसका ब्रेक टेस्ट और करेंगे अभी। ब्रेक टेस्ट में ये देखो इसने स्टॉप ही मारी है वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, अब जाके रुकी है। मैंने वहाँ से कंटिन्यूसली ब्रेक मारे हैं जब जाके रुकी है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड मैप की तरफ, वो था हमारा डबल मेगा रैन। तो इसके लिए एक गाड़ी ले लेता हूँ मैं व्हीकल स्पोनर में जाके, और मैं लेता हूँ बुगाटी चिरोन स्पोर्ट। तो अब इस रैम को ट्राई करके देखते हैं, फ़ोन क्यों खुल रहा है। चलो चलते हैं, अरे स्ट्रेट है बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे थोड़ा संभल के मैं नीचे लेऊँगा। और अब फुल स्पीड, फुल एक्सेलेटर दे दिया है मैंने, और ये बच गया, टायर में लगने से बच गया। तो इसमें हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ पे थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी मोड इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है GTA 5 में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा।